अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। काफी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं, बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी और जिसकी वजह से वीडियो इतनी डिले हो गई। आप सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि खसूसी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ सबसे पहले आती हूँ कि आज हम वीडियो किस चीज के लिए बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो हर लड़की के लिए प्रॉब्लम होता है हेयर फॉल, तो मेरे साथ भी है, मैंने भी इस चीज को बहुत फेस किया है, बहुत फेस किया, उसके बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ। ऑयलिंग तो कहते हैं ना कि ऑयलिंग आपको मस्ट करनी चाहिए, तो ऑयलिंग किस ऑयल से हम करें, तो वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप खुद घर में ऑयल बनाइए और ये ऑयल आपने ट्वाइस अ वीक लगाना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यकीन कीजिए इतने अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं कि आपको खुद अंदाजा होगा कि आपके बाल जो गिरते हैं हर जगह जगह घर पे बाल हो रहे हैं और ड्राइनेस हो रहे हैं और एक फ्रीजी हेयर है, एवरीथिंग आपके जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी ये रेमेडी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए हमें क्या चीजें जरूरी हैं। तो देखिए जी, उसके लिए हमें देखे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज आपने देखा है कलवंजी, जो कहते हैं कि हर चीज के लिए जरूरी है, कहते हैं कि सिवाय मौत के इसमें हर चीज का इलाज है, तो वाकई ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हम कलवंजी यूज करेंगे, इसमें हम मेथी दाना यूज करेंगे और उसके बाद इसमें है कैस्ट्रोइल यूज करेंगे, कोकोनट ऑयल यूज करेंगे और थोड़ा सा हम मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को मिलाकर हम जो है वो ऑयल बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत इजी है। सबसे पहले मेरे पास ये जो कलवंजी और ये है मेथी दाना है, इसको हम पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पाउडर इसको करती हूँ, उसको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ये कलवंजी और जो मेथी दाना है उसको पाउडर फॉर्म में करना है, तो मैंने इन दोनों को पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक शीशे की आपको चाहिए, शीशे की आपने बोतल लेनी है, खाली जार लेना है और मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें कोई पानी का कतरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसमें हम जी सबसे पहले एक कोकोनट ऑयल जो है वो इसमें सारा मैं जो है सारा ऑयल जो है इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा ही बनाऊं, क्योंकि मुझे मैं पता है कि मैं इसको हम इंशाल्लाह ताला यूज करेंगे, हमारे घर में यूज होगा। अच्छा, जितना हमने कोकोनट ऑयल डाला है उसका हाफ आपने कैस्टर ऑयल डालना है। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है, आपको पता है हेयर ग्रोइंग के लिए अक्सर यूज करते हैं, तो इसको इसके अंदर मिक्स करना है। ये मैं इसकी हाफ से ज्यादा जो बोतल है वो डालूंगी, ठीक है। तो जी ये हमने डाला, उसके बाद तो ये जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का जो ऑयल है वो हमारा ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालिए, मैं इसमें जरूर डालूंगी क्योंकि इसका भी आपको पता है बहुत फायदा है। बचपन से हमारे घरों में तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज होता था, तो इस वजह से मैं तो लाजमी इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डालूंगी थोड़ा सा। तो ये भी हम हाफ जो है मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल देंगे, क्योंकि मैं ये दो तीन बार बना चुकी हूँ इसलिए मुझे थोड़ा अंदाजा है। लेकिन आप इसकी क्वांटिटी क्या रखेंगे कि इसमें कोकोनट ऑयल आपने जितना लिया उसका हाफ आपने कैस्टर ऑयल लेना है और हाफ ही आपने ये मस्टर्ड ऑयल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हमने लिया और ये एक चम्मच भर कर हमने मेथी दाने का इसमें डाला, ठीक है, ये डाला और ये एक चम्मच भर कर वन एंड हाफ डालेंगे हम, ये कलौंजी जो हमने पीसी है वन एंड हाफ जो है ये डालेंगे हम। तो यकीन कीजिए ये बहुत ही यूजफुल और हेल्दी एक ऑयल बनेगा इंशाल्लाह ताला, आपको लाजमी आप देखेंगे कि आपको इसके बेनिफिट्स जो हैं वो नजर आएंगे इंशाल्लाह। आपने इसको अच्छी तरह हमने इसको शेक किया, ये डार्क जैसे डार्क चॉकलेट कॉफी टाइप इसका कलर बनेगा, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह ये देखें, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छा, इसके और अच्छा अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आप देख लें, तो अभी तो जैसे यहाँ रात का वक्त है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये शीशे की बोतल में या जग में आप ऑयल बनाते हैं और आप इसको इस सूरज की रोशनी में रख दें, ठीक है ना, एक दिन के लिए या दो दिन के लिए आप इसको सूरज की रोशनी में ऐसे ही रखिए
उसके बाद आप इसको यूज करना शुरू कीजिए, तो आपको मजीद जो है ना पता चलेगा कि इस ऑयल में और कितनी अफादियत शामिल हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं भी लाजमी हमारे किचन की जो विंडो है उसमें रोशनी आती है तो मैं भी वहां पर इसको रखने लगी हूँ, अभी नहीं सुबह रखूंगी, तो एक सारा दिन इसको रोशनी मिलेगी सूरज की, उसके बाद इंशाल्लाह इसको मैं यूज करना शुरू करूंगी। तो आप सब लाजमी अपने घर में ये ऑयल बनाइएगा, बहुत इजी है, जैसा मैंने आपको दिखाया कुछ दो तीन चीजें आप इसको मिक्स करके ये ऑयल बना सकते हैं। और जो आप मेरी तरह फेस कर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, पूरे घर में बाल घूम रहे हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शायद बच्चा बोलता है तो बाल गिरते हैं, आई डोंट नो कि ये रियल है ये एक मिथ बनी है कि बच्चा, मेरा बच्चा आजकल बहुत बोल रहा है तो शायद इसलिए मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में भी कि ये चीज सच है या झूठ है, क्योंकि मैं तो सच ही समझ रही हूँ कि शायद इस वजह से इतने उतर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं लाजमी ये ऑयल बनाऊं और मैं भी यूज करूं और मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपने भी ये ऑयल बनाना है, मुझे बताना है, और लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जो मेरा आजमूदा हुआ टिप है आपको ये भी काम आएगी इंशाल्लाह ताला। तो देखते रहिए हमारा चैनल व्लॉगर कमर फैमिली, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ ये जो आपकी साइड पे यहाँ पर एक रेड कलर का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसको आप जरूर क्या कहते हैं पुश कर दें, उसके बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, तो इंशाल्लाह हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।